और दोस्तों Realme ने लॉन्च कर दिया अपना एक धमाकेदार स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme X2 Pro। जी हाँ फ्रेंड्स, ये Realme की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि फ्लेक्सिबल लेवल का आता है। वैसे आपको पता है दोस्तों, Realme फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन की रेस में शामिल नहीं था, लेकिन अब Realme भी फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन की रेस में शामिल हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Realme X2 Pro की सारी जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये भारत में लॉन्च हो गया। इसकी जो पहली सेलर 26 नवंबर को फ्लिपकार्ट पर होने वाली है। आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वो तो एक बात की बात है, पहले इसके स्पेसिफिकेशन में आपको फटाफट से बता देता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर के। तो इस बार इसमें आपको ग्लास देखने को मिल जाता है बैक में, और मैं आपको बता दूं इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है बैक में। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, और ये दो कलर में आपको देखने को मिलेगा, नेक्सन ब्लू और नेक्सन व्हाइट, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, यहां पे आपको 6.5 इंच की FHD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और आपको पता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें आपको फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, मतलब बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है 5 वाली। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये इस डिस्प्ले की, इसमें आपको 19 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको वीडियो क्वालिटी को लेकर के, गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर के काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूं, जब आप 19 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन यूज करेंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता है। तो मैं जरूर से कहना चाहूंगा इस बार Realme ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया, क्योंकि Realme को पता था ये मेरा पहला फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन है तो काफी ज्यादा अच्छा देना चाहिए। तो उन्होंने बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन तो काफी ज्यादा कमाल की डाली है इस स्मार्टफोन में। वैसे आपको क्या लगता है इसकी डिस्प्ले को लेकर के, कमेंट करके जो उसे बता दीजिए। और दोस्तों मैं आपको चीज और बता दूं, यहां पे आपको ये दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB स्टोरेज के साथ और 12GB 256GB स्टोरेज के साथ, दो वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करो, और हां ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस स्मार्टफोन में सारी चीजें कमाल की हैं, इसकी बैटरी भी काफी ज्यादा कमाल की है। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बूका सुपर फ्लैश चार्जर 50W का देखने को मिलता है, जो कि कंपनी का दावा है कि आपके स्मार्टफोन को 30 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। मतलब आप सोच सकते हैं 30 मिनट में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। ऐसे अगर आप कहीं जल्दी में भी होंगे ना, तो अगर आप 10-15 मिनट भी लगाएंगे तो आपका फ़ोन 50% तो चार्ज हो ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की रखी है, क्योंकि इसमें चार्जर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे आपको क्या लगता है इसकी बैटरी को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। क्या आप फ़ोन की बैटरी जल्दी चली जाती है, क्या आपके पास कम टाइम होता है, तो आपको भी चाहिए एक फ्लैक्स चार्जर वाला फ़ोन जो कि आपको फ़ोन को जल्दी चार्ज करके दे, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बना है। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के बारे में तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कि इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन का इस टाइम पर लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो आप इसमें मल्टीटास्किंग करिए या पबजी बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक में खेलिए, कुछ भी करिए, आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है फ़ोन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। और दोस्तों फाइनली बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में, जो कि कैमरे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिए गए। इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइमरी सेंसर 64 MP का है, और आपको बता दूँ सेकेंडरी सेंसर आपको यहाँ पे 13 MP का देखने को मिल जाता है, और तीसरा सेंसर आपको दिया गया वो 8 MP का दिया गया, जो कि वाइड एंगल के लिए दिया गया, और लास्ट सेंसर मैं आपको बता दूँ 2 MP का दिया गया, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। तो बैक के कैमरे काफी ज्यादा कमाल के हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करना चाहूँ यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि सोनी का IMX471 सेंसर दिया गया है, जो कि 2.0 एपर्चर के साथ आता है। तो दोस्तों फ्रंट का भी कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फ्रंट के कैमरे से काफी ज्यादा अच्छे हैं इसके बैक के कैमरे।
और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी प्राइस की और लॉन्च डेट की। तो लॉन्च डेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 26 नवंबर को इसकी जो पहली सेल होने वाली है वो फ्लिपकार्ट पर होने वाली है। रही बात दोस्तों इसकी प्राइस की, तो मैं आपको बता दूँ 8GB 128GB वाले वेरियंट की जो कीमत रखी गई है वो 29,999 पे रखी गई है। वहीं 12GB 256GB वाली जो स्टोरेज की कीमत रखी है वो 33,999 रखी गई है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये स्मार्टफोन है ना वो कम्पीट करने वाला OnePlus के 7T Pro के साथ। चले दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए मुझे उम्मीद है आपको Realme X2 Pro की सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको Realme का पहला स्मार्टफोन जो कि फ्लेक्सिबल लेवल का है वो डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करो और हाँ ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको फिर और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड टाइम।